देखिए हमारी बात विरोधियों को बुरा लग रही है। जनरेटर में कोई पानी जाके डाल दिया, कौन डाल दिया? विरोधी के डर लेबा ना, मतलब जरा सा भी लाज डर ना लगा तो क्यों ही का करत है। अरे कम से कम तमीज सीखो, अपने नेताओं को तमीज सिखाओ कि कोई नेता आवे तो उसका इज्जत करना सीखो। जनरेटर में पानी डलवा दोगे, तार लाइट है और तार ब्रश करा दोगे, इससे आंदोलन रुकेगा? बोलो, इससे आंदोलन रुकेगा? इससे और आंदोलन बढ़ेगा। ये सोच लेना, ये ओम प्रकाश राजभर हम ऐसा भी है नेता है ना, कि झूला जाए को खरी तब वो हरिया जाए, तनखो पानी भाई। और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक साथियों अपने हक अधिकार के लिए आप खड़ा नहीं हो जाओगे। ये समझ लो हमारी लड़ाई, हम तो कानून बनवाने के फिराक में हैं, सदन में बोलने की औकात नहीं है। हम 7 साल से सदन में हैं, सदन में औकात नहीं है बोलने की। अगर सदन के अंदर बोलता है कोई तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं कोई बोले। आज डलवा दो जनरेटर में पानी। मुझे पता है जब मैं पहली बार आया था, याद होगा कुछ साथियों को, पहली बार कुर्की बाजार में, यही रामचंद्र राजभर नाम लेके बता रहा हूं, कुर्की बाजार में माइक नोचवा दिया, गाड़ी तोड़वा दिया, शायद कुछ साथियों को पता होगा है ना, वही कुर्की बाजार। अरे यार राजनीति करो, जाके वही अखिलेश यादव का जी हजूरी करो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब तक जिसके साथ रहता सीना ठोक के रहता है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तेरे तरह इतनी ऊंची राजनीति नहीं, समाज के ऊपर जब कोई बात आती है, थाने पे जाना होता है तो बिल में घुस जाते हो, कोई मुसीबत समाज के ऊपर आती है तो घर में घुस जाओगे, तब तो दिखाई नहीं दोगे। जब चुनाव आएगा तो जाति के नाम पर वोट लेकर के एमएलए तो बन जाओगे, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ना होगा तब घर में घुस जाओगे, तो घुसो घर में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर घर में से निकालना जानता है, घर में से भी निकालना जानता हूँ, आप घबराओ नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर है, हम महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्श और विचार को मानते हैं, हम शासक कौन है, हम राजपाट की लड़ाई लड़ते हैं। तूने अगर छेड़ा है तो ये समझ लो कि तूने मड़ई में आग लगाया है, तूने मड़ई में आग लगाया है। अरे जिस दिन मड़ई जलेगी तुझे भी जला करके भस्म कर देगी, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। अब वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ये दिमाग में मत रखना, ये ओम प्रकाश राजभर कुर्की बाजार वाला अब नहीं रह गया है। अभी एक फोन सीएम को करूं तो जेल की सलाखों में चले जाओगे जो हरकत किए हो, एक फोन करूं अभी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। इस नाते विधायक को अपनी हैसियत में रहो, जब सड़क पर यही का एक गुंडा तुझे मार रहा था, लगिया रहा था, तब तेरी गुंडागर्दी कहां गई थी? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सड़क पर घसीट घसीट के मार रहा था, तब तेरी गुंडाई कहां गई थी? घर में घुस गई थी। यही ओम प्रकाश राजभर को देखो, बड़े बड़े गुंडा पीछे पीछे घूमते। बोलो टीवी पर बोलता हूँ, यहाँ नहीं गंगा में, टीवी पर बोलता हूँ कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो। जेकरे पीछे पीछे ब्रजेश सिंह घूमत हो, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह घूमत हो, राजा भैया, उससे बड़ा गुंडा की धरती पर, ये लोग सोच रहे कि ओम प्रकाश राजभर के दरवाजे। अरे डरवाने वाले लोगों जाके जी हजूरी करो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पीला झंडा उठाया है, इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाऊंगा। बताओ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, पूरे देश में एक ही नारा ओम प्रकाश राजभर ने लगाया, हम अपने पूर्वज का नारा लगाएंगे। हम बोलेंगे महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, तो आप बोलेंगे अमर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी 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 अमर रहे।
सुहेलदेव जी अमर रहे। जय सुहेलदेव, के साथ।